अगर फ्रेंड्स आपने अपना जो आधार कार्ड को लॉक करके रखे है और आप कभी ऐसे टाइम आता है कि आपको अपना जो आधार कार्ड को अनलॉक करना चाहते हैं बायोमेट्रिक अनलॉक करना चाहते हैं तो आप चाहते होंगे कुछ समय के लिए मेरा जो आधार कार्ड है वो अनलॉक हो उसके बाद दोबारा ऑटोमेटिकली आपका दोबारा अनलॉक लॉक हो जाए मतलब अनलॉक जो किए थे आपने कुछ समय के लिए हो दस मिनट पंद्रह मिनट इस टाइम के लिए हो और दोबारा आपका जो आधार कार्ड है वो दोबारा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए तो फ्रेंड्स आपको टेम्परली बायोमेट्रिक अनलॉक किस तरह से कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं कुछ समय के लिए अपना बायोमेट्रिक को अनलॉक तो फ्रेंड्स वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए साथ साथ अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको करना है सबसे पहले आपको क्या करना है प्ले स्टोर में जाना है और आपको उमंग ऐप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और लॉग इन कर लेना है अगर आपको पता नहीं है कि आप उमंग ऐप को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है तो मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे तरफ देख सकते हैं ऑप्शन है ऑल सर्विसेज इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च करना है ऊपर तक देखते ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन पे जैसे इस वाले ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सर्च करना है माय आधार जैसे ही आप माय आधार लिख कर सर्च करते हैं तो यहाँ पर देख सकते आ चुका है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस आता है यहाँ पर आपको अपना जो आधार कार्ड को अनलॉक करना है बायोमेट्रिक अनलॉक करना है टेम्पोरीली कुछ समय के लिए तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो ऑप्शन लिख लिया है देख सकते लिखा हुआ है लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक्स इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आपका नया इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है आधार कार्ड नंबर को फिल करना होता है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया गया है इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है जहाँ पर नीचे तरफ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको वही वाला कैप्चर कोड सेम टू सेम फिल करना होता है अगर आपको ये कैप्चर कोड समझ में ना आए तो यहाँ पर जो रिफ्रेंस वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और ये कैप्चर कोड चेंज हो जाता है इस तरह से आप जितने बार चाहे उसे कैप्चर कोड को चेंज कर सकते हैं जैसे ही इन सबको फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेंड ओ तो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा इन सबको फिल करने के बाद जैसे ही आप सेंड ओ पर क्लिक करते हैं तो आपको एक मोबाइल में अपना जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओ भेजा जाता है उस ओ को आपको यहाँ पर नीचे तरफ़ देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर ओ तो जो ओ आपके मोबाइल नंबर पर आएगा वही मोबाइल नंबर पर जो ओ आया है वो ओ टी यहाँ पर फिल करना है फिल करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है लॉगिन लॉगिन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा ओ को फिल करने के बाद तो फ्रेंड्स इसे हम फिल कर लेते हैं और लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं और आगे का जो प्रोसेस होगा वो मैं आके आपको बताता हूँ क्या करना है अनलॉक बायोमेट्रिक्स इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आता है तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो लॉक करके रखा हुआ है उसे अनलॉक करना है यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है इसे पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे तरफ आना है उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो लिखा हुआ है नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना होगा जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स अगर आपको अपना जो आधार कार्ड को कुछ समय के लिए अनलॉक करना है तो यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्परली कुछ समय के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इस तरह से टिक पर क्लिक करना है पहला वाला ऑप्शन में और यहाँ पर ऊपर तरफ एक बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स को टिक कर लेना है जैसे टिक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन आ जाता है तो सबमिट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग होता है प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो बायोमेट्रिक लॉक था कुछ समय के लिए अनलॉक हो जाता है तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपने जो आधार कार्ड को टेम्पोरेली बायोमेट्रिक अनलॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर देना साथ साथ मेरे चैनल पर आपने तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है थैंक यू फ्रेंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए